एक इनोवा गाड़ी वर्ली से बांद्रा की तरफ नॉर्थ बाउंड की दिशा में जा रही थी और सी लिंक पर टोल प्लाजा से करीब 100 मीटर पहले उसने एक मर्सिडीज गाड़ी को डैश मारा और वहां से डैश मारने के बाद उसकी स्पीड उसने तेज किया और आगे आकर के उसने दो तीन गाड़ियों को टोल प्लाजा से जल्दी में निकलने के लिए टोल प्लाजा पे उसने धड़क मारा और उस दरमियान गाड़ियों को टक्कर लगी। इस पूरी घटना में मर्सिडीज गाड़ी जिसको पहले टक्कर मारा था उसको और जो गाड़ी ने टक्कर मारा है इन दोनों गाड़ियों को मिलाकर के टोटल 6 गाड़ियां इन्वॉल्व हैं जिनको डैश लगा है और इस दरमियान अभी तक टोटल 9 लोग जख्मी हैं जिसमें से 3 सीरियस थे। 3 सीरियस में से 3 सीरियस थे उनका डेथ हुआ है और उसमें 2 महिला और 1 पुरुष है। बाकी 6 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसमें 4 लोग स्टेबल हैं, 2 अभी सीरियस हैं जिसमें से 1 को लीलावती हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, बाकी 5 फिलहाल भाभा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सर एग्जैक्ट हादसा बाद में है, पहले ये साजिश थी मेरे को मारने की। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो दीपावली स्नेह सम्मेलन था वहां से उस प्रोग्राम से आ रहा था तो ये हमारे पीछे से गाड़ी आके हमारी गाड़ी को जिस जगह जिस साइड में मैं बैठा था वो साइड पे इसने इतने जोर से टक्कर मारी कि हमारी गाड़ी लड़खड़ाती हुई समुन्द्र में गिरते गिरते बच गई। सारे सीसीटीवी फुटेज मिल जाएंगे आपको। तो ये इस साजिश के तहत ये वहां से हमारी गाड़ी को टक्कर के भाग रहा था और उसको पता नहीं था कि टोल नाके पे ट्रैफिक होगा। इस ट्रैफिक के दरमियान उसने क्या किया ना, राइट लेफ्ट करके 3 से 4 गाड़ी को टक्कर मारी। ये एक्सीडेंट है। जो ड्राइवर था न तो दारू पिया हुआ था, इसके बावजूद भी उसके मुंह पे एक इतनी भी उसको मतलब उदासी नहीं थी कि उसने इतना बड़ा हादसा किया। उसको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे तूने इतने इतने लोगों का एक्सीडेंट किया हुआ, यहाँ पे लोगों को मार दिया है। इसके बाद में वो यहाँ पे पाकिस्तानी भाषा में बात कर रहा था, तब मैंने चिल्ला के उसको बोला, मैं बोला ये पाकिस्तान नहीं है, ये महाराष्ट्र है, या तो मराठी बोल या तो हिंदी बात कर इधर से। फिर जाके वो हिंदी में बात किया और वो पैसे से शक्ल से भी मेरे को तो आरोपी गुंडा बदमाशी लग रहा था। अभी ड्राइवर भी जख्मी है और उसको भाभा हॉस्पिटल में उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चालू है। बाकी जैसी घटना है उसका उसी तरीके से संज्ञान लेकर के इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।